आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट अनी शर्मा लाई हूं आपके लिए तमाम नई खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहती हूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। संपादकों की संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक पैनल तैयार किया है। इस पैनल में कपिल सिब्बल, प्रशांत कुमार और शाहरुख आलम जैसे कई नाम जुड़े हुए हैं। दरअसल ये पैनल जर्नलिस्ट की स्वतंत्रता यानी उनकी फ्रीडम को लेकर काम करेगा और साथ ही साथ उनको कई कानूनों को लेकर कई मामलों में सलाह भी देगा। दरअसल कई बीते दिनों में जो हमने देखा है उसके देखते हुए ये पैनल तैयार किया गया है। संस्था ने ये पैनल पत्रकारों की स्वतंत्रता को लेकर तैयार किया है। खबरें chidambaram.com का उद्घाटन हो चुका है। जी हाँ, ये एक न्यूज पोर्टल है जिसका उद्घाटन माखनलाल चतुर्वेदी के कुलपति ने किया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से काल में योगदान रहा है डिजिटल मीडिया का, वो बहुत ही सराहनीय है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मीडिया के और भी माध्यम हैं जो बहुत ही विशेष हैं और उनको भी ध्यान में रखा गया और वो यूं ही चलते रहेंगे बिना किसी रुकावट के। साथ ही साथ उन्होंने जितने भी पत्रकारिता के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रोत्साहित किया और अपनी इस वेबसाइट को लॉन्च करते समय उन्होंने बच्चों को कई विशेष चीज़ों पर योगदान दिया। IIMC में हुए एक समारोह के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर बुलेंद्र शर्मा जी ने विद्यार्थियों को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग डिजिटल मीडिया को चौथा स्तंभ मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसको उभरता हुआ पांचवा स्तंभ भी मानते हैं, लेकिन उनके अनुसार दरअसल मीडिया नहीं बल्कि सूचना महत्वपूर्ण स्तंभ है। जी हाँ, और उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसमें विद्यार्थियों को उन्होंने प्रोत्साहित किया और साथ ही साथ उन्होंने डिजिटल मीडिया में आई क्रांति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। जिस तरीके काल में सोशल मीडिया ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने नई ऊंचाइयों को हासिल किया है वो बहुत ही सराहनीय है और इसी को देखते हुए एक्सचेंज फॉर मीडिया ब्रॉडकास्ट ने अवार्ड शुरू किए हैं। दरअसल ये अवार्ड 2008 में ही शुरू कर दिए गए थे, लेकिन ये इनका 13वां एडिशन है जिसमें बहुप्रतिष्ठित जितने भी कलाकार हैं जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री या सोशल मीडिया को एक नया मुकाम दिया है उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जी हाँ, एक्सचेंज फॉर इंडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड नाम से ये अवार्ड बहुत ही प्रचलित है और इस साल भी ये अवार्ड हमेशा की तरह 13 साल अपने पूरे कर रहा है और इसमें कई प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म को अपने अंडर लाने के बाद अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दरअसल OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ जितने भी मामले चल रहे हैं उन सभी केसेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने की गुहार लगा रही है। दरअसल ये कई ऐसे मामले हैं, 23 ऐसे मामले हैं जो OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ डाले गए हैं और उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं। अलग अलग शहरों से ये मुकदमे दायर किए गए हैं, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों से ये मुकदमे दायर किए गए हैं और इनको एक जगह लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। दरअसल OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से लोगों ने अपने मनचाही चीजें परोसने शुरू करी उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा, लोगों का रोष बढ़ा और इसीलिए उन पर मुकदमे दायर किए गए। अब देखना होगा कि कब तक मिनिस्ट्री की ये सुनवाई होगी और कब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जा पाएंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने कई टीवी चैनल्स को फटकार लगाते हुए कहा कि वो
कोई भी ऐसे विज्ञापन ना दिखाएं जिसको दिखाने के बाद युवाओं पर या बच्चों पर बुरा असर पड़े। दरअसल अश्लीलता भरे ये विज्ञापन अक्सर 10 बजे के बाद टेलीविजन के कई तमाम लोग दिखाते हैं, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ता है। और इसी को देखते हुए मद्रास कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि वो टेलीविजन अधिनियम की धारा के अनुसार ही विज्ञापन लोगों को परोसे, नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों को एक चेतावनी भरा मैसेज भेजा है। जी हाँ, ये चेतावनी देते हुए आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों से कहा है, गुहार लगाई है कि पैसे देने वाले लोगों से आधार कार्ड ना बनवाएं और गवर्नमेंट सेंटर्स पर ही जाएं। दरअसल ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें ये देखा गया कि लोग कई सारे जालसाजों के बीच में चंगुल में फंस गए और उन्होंने पैसे देकर नकली आधार कार्ड उनके बना दिए। और इसको देखते हुए अथॉरिटी ने ये चेतावनी जारी की है और साथ ही साथ ये कहा है कि अगर उनको लगता है कि वो किसी भी जालसाज के चंगुल में फंस चुके हैं या फिर उन्हें कोई भी दिक्कत है तो वो 1947 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि पैन कार्ड या आधार कार्ड में अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी है, अगर अलग अलग स्पेलिंग भी हैं या कोई भी अलग अलग जानकारी है, चाहे वो एक सिंगल लेटर की ही क्यों ना हो, तो कई बार आपके काम अटक जाते हैं, क्योंकि हर काम के लिए आपको आधार या पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ने अपनी एक वेबसाइट के थ्रू आपकी समस्या का समाधान ढूंढा है। दरअसल आप इनकी नेशनल वेबसाइट पर जाकर ऑप्शन भर सकते हैं कि किस तरीके से आप पैन कार्ड का या आधार कार्ड का कोई भी नाम या कोई भी जो करेक्शन है वो कर सकते हैं, और इस तरीके से आप आगे का फॉर्म भी भर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। जी हाँ, अक्सर ये देखा गया है कि चाहे आपको गैस बुकिंग करानी हो या फिर अपने बच्चों का एडमिशन ही क्यों ना कराना हो, आपको ये दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ज़रूर ही चाहिए होते हैं। और अक्सर अगर आपके काम अटक जाते हैं क्योंकि आपकी स्पेलिंग अलग है या फिर कोई भी चीज़ दोनों डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग है, तो आपके काम ना अटके, इसीलिए आपको ये सूचना हम यहाँ पर टटोला एक्सप्रेस में दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो हम आपको दे रहे हैं। काफी अलग फैसला लेने के बाद मोदी सरकार अब एक और नई पहल करने जा रही है और वो चाहती है पूरे देश भर में सभी ड्राइविंग लाइसेंसों की निगरानी के लिए एक केंद्रकृत पेट्रोल होना चाहिए। देश में किसी भी राज्य से ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अपराधी वाहन चलाने में सक्षम नहीं होंगे। अगर देश भर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यकाल में एक निगरानी के लिए कोई भी पेट्रोल अगर रहेगा तो उससे बहुत ही सावधान होंगे। यदि कोई वाहन चोरी हो जाता है या यात्री का अपहरण हो जाता है या कोई भी दुर्घटना में कोई भी शामिल होता है तो उसको लेकर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अब देखना होगा कि कब तक ये पेट्रोलिंग स्टेशन बनेंगे और किस तरीके से आगे के कदम उठाए जाएंगे। नए साल में कार चालकों को प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनदेखी भारी पड़ सकती है। दरअसल अगर आपकी कार धुआं उड़ाती हुई सड़कों पर नजर आई तो आपका चालान हो सकता है। 10,000 का जुर्माना तो पहले ही है और आपको सजा भी हो सकती है। जी हाँ, दरअसल देखा गया है कि सड़कों पर धुआं उड़ाती हुई गाड़ियां प्रदूषण को और बढ़ावा देती हैं और जिस तरीके से हमारे पूरे एनवायरनमेंट पर फर्क पड़ता है। इस विषय से जुड़े मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रदूषण जाँच ऑनलाइन व्यवस्था में प्रदूषण जाँच केंद्रों, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वाहन मालिक और वाहनों की संपूर्ण जानकारी राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर में उपलब्ध होगी और इसे अनिवार्य भी बनाया गया है। जी हां, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 27 नवंबर को इस बात पर नोटिफिकेशन जारी कर ये बात सामने रखी है। तो अगर आपकी गाड़ी धुआं दे रही है तो आप उसको सड़क पर उतारने से पहले उसकी जाँच जरूर करवाएं। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ और आप हमारी वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारा ये बुलेटिन देख सकते हैं। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इजाजत लेती हूँ, नमस्कार।